आज हम कोहरा के पत्ता से पकौड़ा की रेसिपी बनाएंगे। कोहरा का पत्ता है, इसमें से हम ये नरम वाला पत्ता तोड़ लेंगे और ये पुराना वाला पत्ता को हम छोड़ देंगे। पत्ता को हम इस तरह से अच्छा से दोनों तरफ से चेक करके और फ्रेश पत्ता को हम छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे और 3-4 बार पानी से साफ कर लेंगे। पत्ता हमारा साफ हो गया है। अब हम एक बाउल में चना बेसन रखेंगे और इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल रखेंगे। पकौड़ा को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें चावल का आटा भी रख सकते हैं और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सभी बेसिक मसाला रखेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक रखेंगे, थोड़ा सा अजवाइन और गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इन सब को पानी डालकर हाथ से इस तरह से घोलकर पेस्ट बना लेंगे। 4-5 ठो पत्ता का टुकड़ा लेकर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और बेसन का इस तरह से गाढ़ा घोल बना लेंगे। पत्ता को इस तरह से लपेटकर बेसन में डुबाकर और हम इसे फ्राई कर लेंगे। तेल को गरम करके गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। एक तरफ से अच्छा से फ्राई हो जाने के बाद इसे हम पलट पलट कर और दोनों तरफ से ब्राउन कलर होने तक सेक लेंगे। पकौड़ा हमारा सेका गया है। पकौड़ा को इस तरह से थोड़ा देर साइड में रखने से इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल रहता है वो आसानी से निकल जाता है। अब पकौड़ा को अब हम निकाल लेंगे। इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चटनी के साथ भी। शाम के समय में, बरसात के मौसम में चाय के साथ से बनाकर सर्व करने से बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा बेसन बच गया था, उससे हमें प्याज का पकौड़ा बनाए हैं। और ये कोहरा का पत्ता को इस तरह से बनाकर सर्व करने से बहुत टेस्टी लगता है। कोहरा का पत्ता का हमारा ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।